ये देवा, इसका बदन तो आग जैसा तप रहा है। बाबा, क्या हुआ हमारे दामोदर को? मनु, कल रात से इसने अन्न का एक दाना नहीं लिया, बस यही कह रहा है कि भाई साहब के हाथ से ही खाएगा। रात को ज्वर भी चढ़ा है। ये तो सौभाग्य है कि राजवैद्य यूं ही मिलने आए मुझसे। उन्होंने रात भर उपचार किया है, परंतु कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, युद्ध स्थल में चलने का समय हो रहा है। आप हमको छोड़कर मत जाइए। हे देवा, अब हम क्या करें? अपने बेटे को छोड़कर जा भी नहीं सकते और जाना इतना आवश्यक है कि कैसे धर्म संकट में डाल दिया है तूने भगवान। आप हमको छोड़कर मत जाइएगा। जाने दो बेटा, हमारा वहाँ जाना बहुत आवश्यक है। नहीं ऐसा, आप हमको छोड़कर मत जाओ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। लो, इसे पी लो। अब आप अपनी आई के पास आ गए ना, आपको कुछ नहीं होगा। महाराज, आपके बिना आपकी लक्ष्मी बिल्कुल अकेली हो गई है। आप अगर जीवित होते तो झांसी को ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। हम भगवान के अत्यंत आभारी हैं जिसने हमें आप जैसे अच्छी पत्नी दी, जो हमारे साथ साथ हमारे राज्य का भी ध्यान रखती है। हम आपके बगैर अधूरे हैं। विधाता ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है, उसे हम पति पत्नी मिलकर सामना करेंगे। आप? नहीं नहीं नहीं, आप जो कर रही थी करती रहिए। ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? कोई कोई देख लेगा। चले। हम सचमुच भाग्यशाली हैं और आज ये गंगाधर आपको विश्वास दिलाता है कि जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी महारानी और होने वाले उत्तराधिकारी की सेवा के लालसा हम रोक नहीं पाएंगे। वास्तव में आप एक कुशल रानी के साथ साथ सबसे अच्छी पत्नी हैं। अब हमें संपूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छी मां भी बनेंगी। कठपुतली मैं नहीं, कठपुतली तो तू है फिरंगियों की। वा, 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 वा,
हमारी सरकार, हमारी भाई साहब तो तात्या टोपे के बिना युद्ध जीत सकती है, किंतु तू नत्थे खान के बिना कुछ नहीं कर सकेगी। जानना चाहती थी कि हमारी बाई साहेब और तुझ में क्या अंतर है। हमारी बाई साहेब सत्य है और तू छल है। वो विश्वास करना जानती है और तू विश्वास खाती है। तूने तात्या को हमसे छीन लिया, अब हम महाराणी के पास क्या मुंह लेकर जाएंगे? इतना बड़ा छल हुआ है हमारे साथ। बड़े विश्वास के साथ महाराणी साहब को वचन देकर आए थे और सोचा नहीं था कि युद्ध से पहले अपने महान योद्धा को इस तरह देखने पर हमें विवश होना पड़ेगा। प्रतिशोध अभी नहीं। युद्ध के नियमों के अनुसार वीर योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध रोकने का आह्वान करते हैं हम। ये तो युद्ध रोकने का संकेत है। इतनी जल्दी युद्ध रोक दिया क्या? क्यों? महारानी साहेब, असमय युद्ध तो तब रोका जाता है जब किसी भी युद्ध का वीर सेना या किसी भी सेना का वीर योद्धा या राजसी परिवार के सदस्य का देहांत। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, हम सब अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम ना केवल तात्या जी को वापस लेकर आएंगे बल्कि और साथी महारानी के अहंकार को मिट्टी में मिलाकर आएंगे। हम अपने प्राणों पर खेल कर तात्या टोपे को छुपा कर आएंगे। कौन हो सकता है? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।